संवैधानिक अधिकारों के लिए धरना दे रही ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली को इजाजत नहीं दी। सीएम योगी को आज बांकुड़ा और पुरुलिया में रैली करनी थी, लेकिन ममता ने बांकुड़ा की रैली की इजाजत नहीं दी। पुरुलिया की रैली के लिए योगी ने ऐसा रास्ता निकाला जिसकी काट ममता के पास भी नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर बंगाल जा रहे हैं। योगी को आज पश्चिम बंगाल में दो रैलियां करनी थीं, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने बांकुड़ा में रैली की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद रैली रद्द करनी पड़ी। हालांकि पुरुलिया की रैली अपने तय प्रोग्राम के मुताबिक होगी। आज योगी आदित्यनाथ ऐसे वक्त में पुरुलिया जा रहे हैं जब ममता बनर्जी कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए तीन दिन से धरने पर बैठी हैं। योगी की रैलियों से डरी ममता ने पहले दिनाजपुर में योगी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, उसके बाद आज बांकुड़ा की रैली की इजाजत भी नहीं दी। लेकिन इस मामले में योगी इस बार ममता से एक कदम आगे हैं। खबर है कि योगी आदित्यनाथ लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए पहले झारखंड के बोकारो जाएंगे, बोकारो से पुरुलिया तक सड़क के रास्ते जाएंगे। बोकारो से पुरुलिया करीब 54 किलोमीटर दूर है और ये दूरी कार से तय करने में करीब एक घंटे का वक्त लगेगा। प्लान के मुताबिक योगी इतनी दूरी कार से ही तय करेंगे। दोपहर 1 बजे पुरुलिया के नाभाकुंदा मैदान में योगी की रैली होगी। इस बीच रैलियों की इजाजत न देने पर योगी ने ममता को संविधान के विरुद्ध आचरण करने वाला बताया है।